आज है मासी का लास्ट डे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, और बारसी को बिरयानी बहुत पसंद है तो इसलिए आज बिरयानी मंगवाई है आमिर यार। मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद मेरा दो काम है, दो वीडियो शूट करना है, फिर क्या करूंगी मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि जब आपका काम बहुत दिन तक बन रहा था ना, तो उसके बाद आप क्या क्या करते हो ये आपको खुद भी नहीं पता कि किस तरह से आपको काम को मेकअप करना है। अभी इतना गर्मी लग रहा है और अभी जो नहाने जाऊँगी ना, वहाँ से भी गर्म पानी, क्योंकि जबकि अभी शूटिंग है तो ऐसे बालों में मैं नहीं रह सकती। जल्दी से मैं अभी शॉल ले लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी शॉल लेने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, जो बात कर रही हूँ बात में कोई दम नहीं था, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। अभी बनाऊंगी एक कप कॉफ़ी और उसके बाद थोड़ा सा जाके रेस्ट लूँगी, क्योंकि एक्चुअली ना रेस्ट नहीं हो रहा था। अब वर्कआउट करो, उसके बाद आके तुरंत ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद फिर जाके देखना है कि आज के दिन में क्या क्या काम बाकी है, क्या क्या करना है, क्या क्या पेंडिंग है, कौन से कौन से वीडियो आज पब्लिश करना है, कौन से कौन से ब्रांड के पास भेजना है, ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत है, तो ये सब करते हुए ना कैसे टाइम निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो अभी कॉफ़ी के साथ थोड़ा सा रेस्ट, हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट काम कुछ होता जाएगा, क्या करें। गर्मी भी बढ़ता जा रहा है, नहा के आई हूँ, अभी भी मैं सोए थोड़ी हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऑस्कर को। ऑस्कर वैसे तो मामा डरा के अलावा किसी के पास नहीं रहता, और जब नेदू मामा घर आता है ना, तो उस टाइम में ऑस्कर मामा के अलावा किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। लास्ट 3 घंटे से ऑस्कर दिखाई नहीं दे रहा है, ऑस्कर नहीं है, कहाँ गए ऑस्कर? ऑस्कर यहाँ पे आके बैठा है, मामा है तो यहाँ पे रहना पड़ेगा। और ये है दादा भाई, दादा भाई, हेलो दादा भाई। आज है मासी का लास्ट डे यहाँ पे, हमारे मासी को बिरयानी बहुत पसंद है तो इसलिए आज बिरयानी मंगवाई है आमिर यार से। एक्चुअली हम मैंने पूछा था मासी को कि मासी तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारा जो लास्ट डे है उस दिन हम तुम्हारे फेवरेट कोई चीज़ बनाएंगे, खाएंगे, सब एक साथ मिलकर एंजॉय करेंगे, फ्राइड राइस और चिली चिकन करें। फिर मासी बोल रहे कि बहुत दिन हो गए बिरयानी नहीं खाए, बिरयानी ओके, बिरयानी तो मेरा भी फेवरेट है, तो आज मैं घर में नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगा कि मुझसे भी अच्छा बिरयानी आमिनिया बनाते हैं, तो इसलिए आमिनिया से बिरयानी का पैकेट मंगवाई है और अभी हम सब मिलके आज लंच में बिरयानी करें, बिरयानी खाएंगे। तो ये रहा हमारा बिरयानी और उसके साथ ये रहा रायता, और ये ज़्यादा ठंडा ना हो इससे पहले खा लेना बेहतर। तो मासी को भी बोल रही हूँ, मासी तुम लोग जल्दी से अपना हाथ पैर अच्छे से क्लीन करके फिर आ जाओ, क्योंकि अभी तक काम कर रहे थे, मैं भी बहुत सारा काम कर रही थी क्योंकि मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज नहीं था, वो हमने किया, स्टूडियो रूम को फिक्स किया, अभी भी करना बाकी है। किसी के मुंह में पानी आ रहा है, किसी के मुंह में।
जब मिथुन ने बिरयानी ऑर्डर किया था वहाँ पे कुछ नहीं लिखा था अमिनिया के, मतलब स्विगी से अमिनिया का जो साइट है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कितने सारे ऑप्शन देते, वहाँ पे लिखा था मटन बिरयानी, स्पेशल मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन बिरयानी। तो स्पेशल का मतलब हम क्या समझते, शायद एक्स्ट्रा मटन के पीस रहेगा खाएंगे तो, मटन अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा रहता तो अच्छा है। फिर तो वहाँ पे शायद लिखा भी था कि दो मटन, ऐसा कुछ लिखा था, पर कहीं पर भी हैदराबादी बिरयानी नहीं लिखा हुआ था। ऑर्डर की और सब मैं सोच रही, क्योंकि पूरा पैकेट घर लाए पर थोड़ा सा भी बिरयानी का खुशबू नहीं, क्या बात है। इतना ज़्यादा चिली तो यूज़ नहीं किया जाता, टमाटो के पीसेस इतना तो यूज़ नहीं किया जाता हमारे बिरयानी में, और कलर भी कुछ अलग अलग था, थोड़ा सा कलरफुल था। फिर जब खाए इतना खट्टा कि मासी, मैं, आर्यन ने तो थोड़ा सा राइस बस मुँह में डाला, इतना बिरयानी किसी ने भी मन लगा के नहीं खाया। लास्टली कुछ कर पाई इस रूम का, थोड़ा बहुत कुछ अच्छे से करने की कोशिश की, और सारे चीज़ें, एक एक चीज़ें जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से इमीडिएटली नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक हलवा खेते हैं, देखो एक बिस्किट लेके आ गया। जहाँ पर भी अच्छा कुछ देखेगा कि अच्छा बैठने का जगह है, थोड़ा कोजी कोजी कुछ जगह है, वहाँ पे चलाएगा ये। अभी थोड़ा बहुत मतलब शूट वूट मैं यहाँ पे कर पाऊँगी, और ड्रेसिंग टेबल का जो हालत है वो भी ठीक ठाक है, पर यहाँ पे कुछ है जो कि अभी अपने अपने जगह पे रखना है, और सारे कपड़े जो कि मैं बहुत दिनों से नहीं पहनी है, और यहाँ पे जो सारे कपड़े हैं वो मैं जो एक्चुअली मैं पहनूँगी वो सारे रखा है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे जो कि मैं शायद 3-4 महीने बाद शायद एक बार पहनूंगी, या कुछ वैकेशन के कपड़े भी यहाँ पे थे, सारे चीज़ें रखा है। तो अभी मैं पीऊँगी चाय और बाकी सब टेबल पे बैठ के पी रहा है, क्योंकि टेबल के सामने है एसी और फैन, पर मेरा जगह नहीं मिला वहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे कूलर के सामने बैठ के पी। ऑस्कर बिकू नहीं चले आसबे, बिकू नहीं एखने चले आसबे, काम मेरा और भी पहले हो जाता है पता है, पर काम करने के बीच बीच में ऑस्कर आके इतना परेशान करता है। कोई भी कपड़े मैं रख रही हूँ एक साइड में, वो कपड़े लेके भाग जा रहा है। और एक बात बोलूँ जो कि पूरे ब्लॉग में आपको नहीं बोला, आज है 29 अप्रैल, आज है आर्यन का बर्थडे, तो आज डे टाइम में करने का हमारा इरादा था, पर आज सुबह सुबह आ गए एक इलेक्ट्रिशियन जिन्होंने कुछ लाइट यहाँ पे ख़राब थे, कुछ कनेक्शन लूज थे, वो सारे आज किया, और ऊपर से ड्रिल वगैरह वो सब किया, और उनको हमने कहा था कि 2 दिन बाद आने के लिए, पर वो आज ही सुबह सुबह आ गए। जब आ गए तो करवा लिया, फिर मासी, मिथुन सब बोल रहे हैं कि इतने धूल मिट्टी के साथ बर्थडे का कुछ भी मत करो। थोड़ा सा शौक से कुछ करना था, वो सारे डेकोरेटिव चीज़ें हैं वो मुझे लगाना था, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। कोई अगर घर में आता है तो ऑस्कर भड़क जाता है, तो ऑस्कर को संभालना काफ़ी टाइम लगा है, वो भाई साहब ने वो सारे पूरा काम करते हुए। फिर आज सारे एरिका प्लांट ब्रांड जो गार्डनर है वो आए थे, आके सारे पेड़ पौधा अच्छे से लगा के गए, तो वो सारे लोग आज ही आना था, तो इसलिए इस टाइम में, इसलिए फर्स्ट हफ पे आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ, तो अभी शाम के टाइम में होगा। ये ब्लॉग आपको लेगा इस आज का ये वीडियो अब यहीं पर एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और अभी होगा आर्यन के बर्थडे का डेकोरेशन स्टार्ट। थोड़ा बहुत जो भी करूँगी तो थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, तो जाके उसको मन को भी अच्छा लगे, घर में हम जितना एक दूसरे को खुश रख सके उतना ही अच्छा है। तो बाय द वे चलिए फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो में, और नया वीडियो होगा आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेशन, तो ज़रूर देखना। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।